जय माता दी, जय मां कामाख्या। आपके प्रश्न और हमारे उत्तर। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के पास में बहुत से धर्म प्रेमी बंधुओं के धर्म से संबंधित प्रश्न आते हैं। कुछ तंत्र से संबंधित भी होते हैं। जो ये प्रश्न करते हैं, हो सकता है ये प्रश्न आपका भी हो सकता है, या 10 व्यक्ति को या 20 व्यक्ति को या 1000 व्यक्ति का भी हो सकता है, परंतु उनके पास यह प्लेटफॉर्म नहीं है कि प्रश्न आखिर पूछें तो किससे पूछें। प्रश्न यह है, जैसा उनने हमसे प्रश्न किया वैसा ही आपसे के सामने प्रस्तुत है कि हम घर में 4 जने हैं, मतलब 4 व्यक्ति हैं, और चारों के चारों परेशान रहते हैं, आपस में लड़ाई होती रहती है, 4 में से 3 कमाने वाले हैं, परंतु तीनों का काम सही तरीके से सेट नहीं है। पता नहीं क्या समस्या है, हम सब दुखी रहते हैं, कोई भी काम में हाथ डालते हैं तो उसके विपरीत ही हमको फल मिलता है। इसका अर्थ यहां पर यह होता है कि 4 व्यक्ति हैं, चारों को सफलता नहीं मिलती है जैसी मिलना चाहिए, यानी परिश्रम का फल पूरा नहीं मिलता है। तो परिश्रम का फल ऐसे मनुष्यों को नहीं मिलता है या ऐसे परिवार को नहीं मिलता है, घर में क्लेश अशांति रहती है, यानी घर में पितृ दोष की उत्पत्ति है। कहीं न कहीं पर घर के ऊपर अपने बड़े बुजुर्गों की मृत्यु होने के बाद में उनकी आत्मा का साया आपके परिवार के ऊपर लगा हुआ है। आप उन पितरों की मुक्ति करवा लीजिए, प्रेत योनि से उनको मुक्त करवा दीजिए, आपके घर में सुख शांति आ जाएगी और आप जो कार्य करेंगे उस कार्य में सफलता अवश्य हासिल होगी। क्योंकि यदि ग्रह नक्षत्रों की वजह से यह दुख होता तो किसी एक व्यक्ति को होता, चारों को नहीं होता। क्योंकि हर मनुष्य की ग्रह नक्षत्र जन्म पत्रिका लग्न चार्ट के अनुसार अलग अलग होती है, तो कोई एक व्यक्ति को परिश्रम का फल नहीं मिलता है, बाकी 3 को तो मिलता है। तो इससे यह कहा जा सकता है कि जन्म पत्रिका का दोष नहीं है। यह भी हो सकता है कि आप सबकी जन्म पत्रिका में लग्न चार्ट के अनुसार पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल हो, यानी आप सबने मिलकर पिछले जन्म में किसी निर्वंशी की संपत्ति को हड़पा हो या निर्वंशी की संपत्ति आप भोग कर रहे हो। हो सकता है आपके दादा आपके पिताजी से धीरे धीरे आपके आते हुए आपके पास तक आई हो, जो आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाई। पैतृक संपत्ति में यदि आप रह रहे हो तो हो सकता है वो किसी निर्वंशी की हो, किसी की हाय बद्दुआ लेकर के आपने वह संपत्ति प्राप्त की हो, तो उस वजह से भी घर के अंदर दुख दरिद्रता क्लेश अशांति और परिश्रम का फल नहीं मिलता है, प्रेत दोष या पितृ दोष की उत्पत्ति होती है। इसका उपाय यह है कि घर के अंदर किसी जानकार व्यक्ति के निर्देशन में श्रीमद् भागवत कथा पुराण का मूल पाठ करवाना चाहिए और उसके बाद में नारायण बलि का कार्यक्रम होना चाहिए, तो आपके घर में सुख शांति मिल सकती है। यह भी हो सकता है कि आप 4 जने हैं, परंतु चारों जने
के माध्यम से आपके घर के अंदर कई वर्षों से हवन पूजन नहीं हुआ हो, न आपने अखंड रामायण का पाठ करवाया हो घर में, और न ही कोई हवन करवाया हो, और न ही नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का हवन करवाया हो और नई पाठ करवाया हो। ये भी हो सकता है कि आपके चार जनों में किसी न किसी, जो बड़े बुजुर्ग आपके होंगे, उनमें से किसी ने कोई मान्यता की होगी, वो मान्यता आपने पूरी नहीं की, तो भी घर परिवार के सभी सदस्य परेशान रहते हैं। तो आप अपने घर परिवार के जो भी बड़े हों उनसे आप पूछिए इन सब बातों में कि कहीं न कहीं पे दोष है। हो सकता है चारों में से किसी एक व्यक्ति को या दो व्यक्ति को, जो व्यक्ति आपके घर परिवार के बड़े बुजुर्ग मर चुके हैं, वो स्वप्न में भी आते होंगे शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन या फिर अमावस्या के दिन। यदि वो सपने में आते हैं इन तिथियों को विशेष तौर से, तो मान करके चले कि आपके परिवार के ऊपर पितृ दोष की उत्पत्ति है। अब ये तो रही बात जन्म पत्रिका के अनुसार और सपने के अनुसार, परंतु कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपके परिवार के ऊपर किसी जलने वाले मनुष्य ने, आपके ही कुल के भाई हो सकते हैं, भाभी हो सकती है, देवर हो सकता है, जेठ हो सकता है, जेठानी हो सकती है, मामा हो सकती है, बहने हो सकती है, भुआ हो सकती है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका सामने वाला हो सकता है, आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है, या कोई स्त्री जो आपसे प्रेम करती हो, एक पक्षी प्यार करती हो, वो आपको अपने वश में करने के लिए भी परिवार के ऊपर तंत्र विद्या करवाती है। ऐसा भी कई बार देखने को मिला है। तो मैंने जिन जिन का नाम लिया उसमें से जो व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ता हो सकता है आपके कुल में एक के यहां पे बच्चे ही पैदा नहीं हुए हो और आपके यहां पे दो बच्चे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि जिनके बच्चे नहीं होते, जो निर्वंशी होते हैं, वो बच्चे जिनके यहां होते उनके ऊपर तंत्र विद्या करवाते रहते हैं और उसका खामियाजना पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो यदि तंत्र विद्या होती है तो आपको सपने में शमशान नजर आता है, यदि तंत्र विद्या होती है तो आपको बच्चे नजर आएंगे, यदि तंत्र विद्या होती है तो जलती हुई चिता नजर आती है, यदि तंत्र विद्या होता है तो सिर कटा हुआ मनुष्य नजर आ सकता है, और यदि तंत्र विद्या होती है तो कोई व्यक्ति आपके छाती पर बैठ करके आपके गले को दबा भी सकता है। और भी सिम्टम हो सकते हैं, परंतु ये सब सपने के सिम्टम हैं। यदि सपना आता होगा तो, यदि तंत्र होगा तो सपना अवश्य आएगा, अन्यथा नहीं आता है। परंतु कई बार तंत्र विद्या में चौकी बैठा दी जाती है, खिलाई पिलाई कर दी जाती है, उस अवस्था में सपने नहीं आते हैं और मनुष्य दिन पर दिन घर के अंदर क्लेश अशांति में अपना जीवन गुजारते हुए धीरे धीरे मध्यम गति से किसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त होकर के मर जाता है, और मनुष्य सोचता कि कोई बीमारी लग गई थी, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए इसलिए मर गया। तो ये जितने भी कारण मैंने बताए, इन सब कारण में खोजने का प्रयास करें, और यदि किसी मनुष्य को इन सब कारणों में कोई कारण मिलता है तो उसका इलाज करवाएं, आध्यात्मिक इलाज करा लें। और यदि आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलता हो आध्यात्मिक इलाज कराने वाला, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें, संदेश के माध्यम से ही करें, फोन नहीं लगाएं, क्योंकि फोन नहीं उठाया जाएगा। 9893128047 और 7649862712, ये दो व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप संदेश के माध्यम से मैसेज दे करके अपना नाम, पता, फोन नंबर, गोत्र वगैरह बता करके आपकी समस्या के संबंध में समाधान के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे।